Akbar and Birbal. जब तक ये बीरबल दरबार में रहेगा, शहंशाह हमें भाव देने से रहे। और बीरबल को ही महंगे से महंगे तोहफे देंगे। बीरबल अक्लमंद है तो क्या हम बेवकूफ थोड़ी है? अब बर्दाश्त नहीं होता, शहंशाह हर खास बात के लिए सिर्फ उसी से मशवरा करते हैं। हम तो जैसे राजकाज के कामों में अनाड़ी हैं। कर वसूलने के मामले, पड़ोसी राजाओं के साथ हमारे रिश्ते, हम तो जैसे कुछ है ही नहीं। अगर हमें फिर से अपनी जगह बनानी है तो बीरबल को हर हाल में दरबार से निकलवाना होगा। सिर्फ दरबार से ही क्यों, दुनिया से ही निकलवा देते हैं हमेशा के लिए। हाँ, यही एक तरीका सही लगता है, और तब हमें तोहफे और बड़े ओहदे फिर से मिलने शुरू हो सकते हैं। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? लगता है शहंशाह के बाल आम आदमियों से कहीं ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं। सो तो है, क्योंकि शहंशाह आम आदमियों की परेशानियों के बारे में सोचता है और फिक्र करता है। वाह, सुभान अल्लाह, आपके दिमाग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है हुजूर। और तुम्हारी चापलूसी का भी कोई मुकाबला नहीं है। क्या हुआ, इसे पहले कभी कौवा नहीं देखा क्या? कौवा किसने नहीं देखा होगा हुजूर, लेकिन कभी कभी हमारे पुरखे हमें उनकी याद दिलाने के लिए कौवों को भेजते रहते हैं। तुम्हारा मतलब है ये कौवा सीधे स्वर्ग से आया है? तुम्हें लगता है मैं इस बेवकूफी पर यकीन करूंगा? लेकिन हर कोई इस पर यकीन करता है। देखिए हुजूर, ये कौवा कैसे काव काव कर रहा है। सुनने में ये कौवे की आम सी काव काव लग रही है, लेकिन अगर आप गौर से इसे सुने मेरे आका, आप देखेंगे कि ये कौवा काव काव नहीं कर रहा है, असल में ये रो रहा है। क्या ये कौवा वाकई मेरे पुरखों ने भेजा है? बिल्कुल मेरे हुजूर, आपको ये याद दिलाने के लिए कि आप उन्हें भूल गए हैं और अब उनकी कोई परवाह नहीं करते। मेरे हुजूर, हमें उनकी खैर खबर लेने के लिए किसी को उनके पास भेजना चाहिए। किसको भेजूं? कहां? कैसे? मैंने तो नहीं सुना कि जिंदा आदमी को स्वर्ग भेजा जा सकता है। फिक्र न करें मेरे हुजूर, अगर आप चाहें तो मैं आपको आदमी को ऊपर भेजने का आसान तरीका बता सकता हूँ। ठीक है, बताओ कि कैसे किसी को स्वर्ग भेजकर ये पता कर सकता हूँ कि मेरे पुरखों को कोई मदद चाहिए। हुकुम कीजिए कि खुले मैदान में घास का ढेर बनाकर जो काफी लंबे समय तक चलना चाहिए, फिर एक आदमी इसके अंदर घुसेगा। आप अपने पुरखों से प्रार्थना कीजिए कि वो आदमी को ऊपर उठा लें। आपकी प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं घास के ढेर को आग लगा दूंगा। आग और धुआं उस आदमी के शरीर को हल्का कर देंगे और चुटकी बजाते ही आदमी गायब होकर स्वर्ग पहुंच जाएगा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता, और इस तरीके से कौन स्वर्ग जाने को राजी होगा? कोई भी आपका हक मानेगा हुजूर। लेकिन वो आदमी होशियार चाहिए जो आपके पुरखों से बात कर सके। जी हाँ बिल्कुल मेरे आका, कोई भी जो आपके करीब हो, जो उनके बारे में आपके जज्बातों को उन्हें समझा सके। कौन हो सकता है ऐसा आदमी? राजा बीरबल मेरे आका। हम भी जाने को तैयार हैं हुजूर, लेकिन। जी हाँ, हम आपकी सेवा में हाजिर है, लेकिन। लेकिन 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 मेरे ख्याल से राजा बीरबल सबसे उम्दा रहेंगे। वो शहंशाह के बहुत करीब हैं, और आपके पसंदीदा भी हुजूर, होशियार भी, सबसे ज्यादा होशियार। वो बहुत अक्लमंद है, तो मजाकिया भी, वो उनका दिल बहला सकते हैं, बातें कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं।
इस अहम मसले के लिए सिर्फ राजा बीरबल पर ही भरोसा किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। शहंशाह सलामत रहें। आओ बीरबल आओ, क्या तुम यकीन कर सकते हो कि मेरे पुरखों ने स्वर्ग से एक कौवा मेरी खैर खबर लेने के लिए भेजा है, और ये नाई चाहता है कि तुम्हें उनकी खैर खबर लेने के लिए स्वर्ग भेजा जाए। हुजूरे वाला, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं स्वर्ग में कदम रखूंगा, वो भी अपने जीते जी। लेकिन हुजूरे वाला, मैं उस जगह को देखना चाहूंगा जहां से मैं स्वर्ग को रवाना होऊंगा, क्योंकि उस जगह बैठकर मैं स्वर्ग पहुंचने से पहले कम से कम 11 दिनों तक देवी देवताओं के स्मरण करना चाहूंगा। तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। मेरे आका, अब आप अपने पुरखों से प्रार्थना कर सकते हैं। पिताजी, दादाजी और परदादाजी, मैं आपके पास अपना सबसे होशियार, समझदार और भरोसेमंद आदमी भेज रहा हूं। वो आपको समझाएगा कि मैं आपके बारे में कितना सोचता हूं। उसे अपनी जरूरतों के बारे में बताएं, मैं उस शख्स के साथ वो सारी चीजें भेज दूंगा। तीन महीने बीत गए, बीरबल लौटने में इतना वक्त क्यों लगा रहा है? तुम बताओ, वो अभी तक मेरे पुरखों की खैर खबर लेकर लौटा क्यों नहीं? मुझे मालूम नहीं मेरे आका, लगता है आपके पुरखों को वो इतने पसंद आ गए कि उन्होंने उन्हें अपने साथ में ही रख लिया हो। आपको उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरे हुजूर, आपके पास और भी बहुत अक्लमंद और होशियार दरबारी हैं। कोई और बीरबल की जगह नहीं ले सकता, उसकी गैर मौजूदगी खलती है। शहंशाह सलामत रहे। बीरबल, बीरबल, ओ बीरबल, तुम्हें वापस देखकर मैं कितना खुश हूँ। स्वर्ग में मेरे पुरखे कैसे हैं? मजे में हैं, एकदम मजे में हैं हुजूर। बहुत ही अच्छी सेहत है उनकी, लेकिन उन्होंने वो कौवा किसी और वजह से ही भेजा था। कौन सी वजह? वहाँ स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, आपके पुरखे दाढ़ी और बाल नहीं काट पा रहे हैं। जरा मुझे देखिए हुजूर, मैं भी बाल नहीं काट पाया। आपके कुछ पुरखों के बाल तो इतने लंबे हो गए हैं कि झाड़ू जैसे जमीन साफ करते फिरते हैं। ऐसा क्या? तब तो हमें तुरंत सबसे अच्छा नाई स्वर्ग भेजना चाहिए, देर किए बगैर। जी हाँ हुजूरे वाला, सबसे अच्छा ही भेजना चाहिए। मेरे ख्याल से ये नाई पूरे राज्य में सबसे अच्छा है। स्वर्ग जाने के लिए अपने उस्त्रे, कैंचियां, कंघियां, इत्र और बाकी सभी साजो सामान के साथ तैयारी करो जल्द से जल्द। और इस बार बीरबल घास के ढेर पर आग लगाएगा। माफ कीजिए मेरे हुजूर, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, किसी और नाई को भेज दीजिए। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। मैं सबसे अच्छा आदमी ही अपने पुरखों की सेवा के लिए भेजना चाहता हूँ। क्या ख्याल है बीरबल? जी हाँ हुजूरे वाला, पूरे राज्य में ये सबसे अच्छा नाई है, इसे जल्द से जल्द भेज दीजिए।
पर पहले इसे मेरी दाढ़ी और बाल काटने पड़ेंगे। मेहरबानी करके मुझे माफ कीजिए हुजूर, लेकिन मैं असली मुजरिम नहीं हूँ। मुझे इन दरबारियों ने लालच दिया था। आपके ये दरबारी राजा बीरबल से जलते थे और हमेशा के लिए उन्हें दरबार से हटाना चाहते थे, इसलिए हमने उन्हें खत्म करने के लिए ये योजना बनाई। तुम बीरबल को खत्म करना चाहते थे? हमसे गलती हो गई शहंशाह, हमें माफ कर दीजिए। इन्हें पकड़कर कैदखाने में डाल दो। बीरबल, मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुम घास के ढेर की आग से बच कैसे गए। काफी आसान है शहंशाह, उन 11 दिनों में मैंने घास के ढेर के नीचे एक सुरंग बना ली थी। तुम्हारे अक्ल की दाद देनी होगी बीरबल। क्या तुम इस कौवे की भाषा समझ सकते हो बीरबल? हाँ हुजूरे वाला, वो कह रहा है कि आपके पुरखे स्वर्ग में चुस्त हैं, नाइक का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो उनकी दाढ़ी और बाल काट सके।